हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक विद पैशन। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, मैदू वड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। दोस्तों ये साउथ में बहुत ही पॉपुलर नाश्ता है, लेकिन इसे अब हर जगह बहुत ही पसंद किया जाता है। ये नाश्ता दोस्तों बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। देखिए कितना स्पॉन्जी है अंदर से, और बाहर से दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बना है। तो इसको बनाने में दोस्तों कुछ टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप उड़द की दाल ली है। इसे सबसे पहले हमें 2-3 घंटा जो है वो भिगो करके रखना है। तो यहाँ पर देखिए दाल को ऑलरेडी मैंने भिगो के रखा हुआ है, दाल अच्छे से फूल चुकी है। तो सबसे पहला हमारा यही काम है कि इसको हम अच्छे से पानी को निकाल के वॉश करेंगे दाल को, और इसको हम एकदम बारीक पीसेंगे ग्राइंडर में। तो चलिए दाल को मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है, तो इसको अभी हम ग्राइंडर के जार में डालकर इसका फाइन सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसको पेस्ट बनाने के लिए दोस्तों हम बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें इसका एक गाढ़ा सा बैटर चाहिए। तो चलिए दाल को पीस लेते हैं। तो इस तरह से दाल को आप गर्म ना होने दें, ब्लेंडर को जो है आप रोक रोक कर चलाएं। तो देखिए हमारा एकदम बारीक सा पेस्ट दाल का तैयार है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो दोस्तों आप इसमें पानी फिर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा पेस्ट एकदम तैयार है, तो इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल की पेस्ट को मैंने अपने बाउल में निकाल लिया है। इस तरह का गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए, तभी जो है इनकी जो अच्छी सी बाइंडिंग हो पाएगी, इनका अच्छी शेप आ पाएगी। तो चलिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ऐड करते हैं। यहाँ पर 1 से 2 हरी मिर्चें काट कर और कुछ अदरक के टुकड़ों को मैंने बारीक काट के डाला है, और यहाँ पर कुछ हरा धनिया और कड़ी पत्ते हैं, उनको भी मैंने बारीक कर लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा, हम छोटे चम्मच के करीब ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कर लें। और फाइनली दोस्तों हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को डाल करके बैटर को हमें अच्छे से 5 मिनट के लिए दोस्तों फेंटना है। तो इसमें दोस्तों ये जो स्टेप है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको फेंटने वाला, तो आप इसको अच्छे से फेंटें ताकि जो बैटर है वो अच्छे से फ्लफ़ी हो सके, तभी हमारे जो मेदू वड़े हैं वो अच्छे सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। तो इसको दोस्तों मैंने 5 से 7 मिनट अच्छे से फेंट लिया है, ये काफ़ी लाइट और हल्का हो चुका है। तो अभी हमें इसमें एक फाइनल इंग्रेडिएंट मिलाना है, और वो है दोस्तों चावल का आटा। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के करीब हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे। तो चावल का आटा डाल के दोस्तों हम अच्छे से इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे, ताकि चावल के आटे के इसमें लम्प्स बिल्कुल भी ना रहें। तो यहाँ पर चावल का आटा डाल के भी दोस्तों मैंने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो हमारे जो बैटर की कंसिस्टेंसी दोस्तों कुछ इस तरह से गाढ़ी ही होनी चाहिए, हमें पतला बैटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा पतला है, तो आप इसमें 1-2 चम्मच चावल का आटा और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बैटर तैयार है। तो चलिए मैं आपको इसका वड़ा बनाने का जो तरीका है वो दिखाती हूँ। इस तरह से आप हाथ को अच्छे से गीला कर ले, और हल्के हाथ से आप बैटर को अपने हाथ में ले, और अंगूठे की मदद से आप इसमें एक छेद बना लें, और इस तरह से हम इसको गरम तेल में फ्राई करेंगे। तो दोस्तों फ्राई करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए यहाँ पर तेल एकदम से मैंने गरम करके रखा हुआ है, तो इसमें हम अपने मेदू वड़ों को फ्राई करेंगे। दोस्तों तेल का टेम्परेचर ज़्यादा कम ना हो तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसको हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, नहीं तो जो दाल है
वो ज़्यादा तेल पी लेगी और जो हमारे मेदू वड़े हैं बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम मेदू वड़े को 5 से 7 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब तक कि इनका कलर जो है वो अच्छा गोल्डन ना आ जाए। तो इनको बीच बीच में हम पलटते रहेंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन हो सके। तो दोस्तों मेदू वड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देखिए इनका कलर बहुत ही बढ़िया गोल्डन आया है और ये काफ़ी फ्लफ़ी भी हो गए हैं। तो चलिए इनको टिश्यू पर निकाल लेंगे ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल सके। तो देखिए दोस्तों ये हमारे मेदू वड़े देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, इनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको दूसरी टेक्निक बताऊंगी वड़े बनाने की। तो इस तरह से आप एक हथेली को अच्छे से गीला कर लें और जो बैटर है आप उस हथेली पर रख लें और दूसरे हाथ से आप उसमें एक छेद बना लें। तो इस तरह से भी दोस्तों ये मेदू वड़े बहुत ही बढ़िया बनते हैं। जो सा भी तरीका आपको अच्छा लगे, सफिशिएंट लगे, उससे आप ट्राई कर सकते हैं। आजकल तो दोस्तों मार्केट में मेदू वड़े बनाने की बहुत अच्छे अच्छे से जो है कि सांचे आए हुए हैं, उसकी मदद से इनको बनाना बहुत ही इजी है और उन सांचों को दोस्तों ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, सस्ते ही हैं। तो आपको जो भी ईजी लगे आप ट्राई कर सकते हैं। तो लीजिए दूसरा बैच भी मैंने अपना ऐड कर दिया है। इनको भी दोस्तों हम अच्छे से दोनों साइड से पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो सारे बैटर से हम इसी तरह से मेदू वड़े तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने अपने सारे मेदू वड़े जो है वो तैयार कर लिए हैं। आप देख रहे हैं देखने में ये बहुत ही बढ़िया इनका कलर आया है गोल्डन, और बाहर से दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बने हैं, ऑयल बहुत ही कम इनमें नज़र आ रहा है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी से हमारी मेदू वड़े तैयार है, आउटर लेयर जो है काफ़ी क्रिस्पी है